निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बिजली विभाग के एक कनीय अभियंता और एक पत्राचार लिपिक को रिश्वत लेते हुए मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी गोपाल पासवान के नेतृत्व में गठित टीम ने तेलपा प्रशाखा में छापेमारी कर कनीय अभियंता जय नंदन प्रसाद को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जबकि विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में छापेमारी कर पत्राचार लिपिक सरोज कुमार को 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। बताया जाता है कि छपरा नगर थाना क्षेत्र के मौना चौक निवासी मयंक शेखर चंचल की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष इन दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के आलोक में गठित टीम के द्वारा पहले इस मामले की जांच की गई और जांच के दौरान आरोप सही पाया गया, जिसके बाद धावा दल का गठन कर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान कनीय अभियंता तथा पत्राचार लिपिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से रिश्वत में लिए गए 65,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और बुधवार को निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी गोपाल पासवान ने बताया कि पत्राचार लिपिक सरोज कुमार ने विद्युत कार्यपालक अभियंता पश्चिमी को देने के लिए 45,000 रुपए रिश्वत ली थी, जबकि कन्या अभियंता जय नंदन प्रसाद ने खुद के लिए 20,000 रुपए रिश्वत लिया था। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है। बताते चले कि विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर लूट खसोट की जा रही है और उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर करीब एक दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा कनीय अभियंताओं के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दायर कराया गया है। 45,000 रुपए ही ले रहे थे। 20,000 रुपया यदि इधर जवान इधर आइए, चेहरा उठा लीजिए, ले लीजिए पूरा। और इधर हुए तो ना, अरे ठीक है, दूर से थोड़ा दिए, थोड़ा सा पीछे हटो ना तो सब आ जाएगी। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।